Welcome back to another video of Constitution of Pakistan 1973 series. आईने पाकिस्तान के पहले 103 आर्टिकल ऑलरेडी अपलोडेड हैं. अभी बात करते हैं आर्टिकल 104 की, जो कि स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली, नहीं सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी है. आइए देखते हैं टाइटल क्या है. स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली टू एक्ट एज और परफॉर्म फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन हिज एब्सेंस. यानी स्पीकर सूबाई असेंबली की बात हो रही है कि वो गवर्नर की गैर मौजूदगी में बतौर गवर्नर काम या कारहाए मनसबी अंजाम देगा. ठीक है, आर्टिकल को रीड करते हैं. व्हेन द गवर्नर बाय रीजन ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान और फॉर एनी अदर कॉज इज अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस, द स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली एंड इन हिज एब्सेंस एनी अदर पर्सन एज द प्रेजिडेंट मे नॉमिनेट शैल परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ गवर्नर अंटिल द गवर्नमेंट रिटर्न्स टू पाकिस्तान और एज द केस मे बी रिज्यूम्स हिज फंक्शंस. यानी जब गवर्नर पाकिस्तान से गैर हाजिरी की सूरत में या किसी दूसरी वजह से अपने ओहदे के कारहाए मनसबी की अंजामदही के काबिल ना हो तो स्पीकर सूबाई असम्बली और इसकी गैर हाजिरी में कोई भी दूसरा शख्स, जैसा कि सदर नामस्त करेगा, जो गवर्नर के कारहाए मनसबी अंजाम देगा, तब वक्त ये कि गवर्नर पाकिस्तान वापस आ जाए या जैसी भी सूरत हो अपने कारहाए मनसबी संभाल ले. यानी बात क्या हो रही है, अगर गवर्नर एब्सेंट है तो उसकी जगह पे पहली बात तो ये है कि जो प्रोविंशियल असेंबली का स्पीकर है वो उसके सारे काम करेगा, और अगर वो भी एब्सेंट है तो फिर गवर्नर कोई बंदा अपॉइंट, सॉरी प्रेसिडेंट कोई बंदा अपॉइंट करेगा और वो गवर्नर के सारे टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा जब तक कि गवर्नर वापस नहीं आ जाता और अपने ओहदे को दोबारा से संभाल नहीं लेता. तो ये था आर्टिकल 104.